स्माइली क्लासेज, आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ही अच्छी होंगी। आज हम लेके आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नदी के दो पर्वतों श्रेणी के बीच क्या कहती है? बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो क्या करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी, ठीक है। नेक्स्ट है, वैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये जो है बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी की सहायक नदी हगरी नदी है? तो ये जो है तुंगभद्रा नदी की जो सहायक नदी हगरी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदरवन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को एक विनाशक नदी भी कहा जाता है? तो कोसी नदी को विनाशक क्या कहता है? विनाशक नदी भी कहा जाता है, और क्या कहता है? बिहार की शोक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की शोक या बिहार की शोक। नेक्स्ट है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। नेक्स्ट है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो भारत की जो लवण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी है वो है लूनी नदी। कौन नदी? लूनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी ईश्वरी नहीं बनाती है? तो ये जो है ईश्वरी नहीं बनाती है वो है महानदी, ईश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट है, सिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की नदियों में से क्या है? सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा और पैन गंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गंगा देखकर आप नहीं लिख दीजिएगा गंगा, गोदावरी नदी की है, ठीक है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच है, ठीक है। तो आज हम जाने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।